ना घी ना मेवा ना मलाई, तो आज हम बनाएंगे आपके किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी मिठाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोना, मेरे यूट्यूब चैनल ऑसम फूड विद सोना में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और उसमें एक कटोरी सूजी को रोस्ट करेंगे। सूजी को आपको बहुत देर तक रोस्ट नहीं करना है, लगभग 1 या 2 मिनट तक ही रोस्ट करना है। ये बस हल्की सी भुन जानी चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं आपको बनाना है। तो ये देखिए, बस इतनी सी रोस्ट हो जाए तो पैन को नीचे उतार लेंगे और अभी एक लेंगे ग्राइंडिंग जार, इसमें सारी सूजी को हम डाल देंगे और लगभग आधी कटोरी चीनी डालेंगे। अब इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, फाइन पाउडर तैयार कर लिया है और अब ऐड करेंगे कच्चा नारियल। तो ये देखिए, हमने थोड़े पीसेस में कट कर लिए हैं और यहाँ पर आधी कटोरी मिल्क डालेंगे। अब हम एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी और मिला दीजिएगा बाद में। तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब हम यहाँ पर एक ग्रीस थाली लेंगे और इसमें सारा ही डीमोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें से ये थाली जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने यहाँ पर ये कढ़ाई ली हुई है जिससे इसमें अच्छे से सेट हो जाए। हमें लगभग 10 मिनट तक स्टीम देना है। तो इसको ढक देंगे और लगभग 10 मिनट तक स्टीम देंगे। तो अभी चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको कट करके दिखाएंगे। बहुत ही स्पॉन्जी और मुलायम बनी हुई है और आपके घर में सारी चीज़ें ही उपलब्ध होंगी। आप बनाकर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसी लगी। इसको आप जिस साइज़ में चाहें उस साइज़ में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम आसानी से कट हो रही है, बहुत ही मुलायम बनती है और जो हमने यहाँ पर नारियल डाला था उसकी खुशबू के साथ में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बताइएगा कैसी लगी और आप सब भी ट्राई कीजिएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।